अब तक के डेविल गॉड के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा सारे के सारे डेविल्स धरती लोक के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्रेटोस और धरती लोक के डेविल बॉस हेल्प लेने के लिए डेविल क्वीन के पास निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन शिनचैन और चॉप को अपने भरोसे का अस्तित्व दिखाने के लिए समंदर के डेविल किंग से लड़ पड़ता है। दोनों के बीच में बहुत घमासान फाइट होती है लेकिन तभी समंदर के डेविल किंग को ये बात पता चल जाती है फ्रैंकलिन की डेविल्स की शक्तियाँ बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए फ्रैंकलिन यूनिवर्सल डेविल गॉड बनने वाला है और उसकी शक्तियाँ जैसे ही समंदर का डेविल किंग छीनने वाला होता है तभी वहाँ पे क्रेटोस वहाँ पे आके फ्रैंकलिन को बचा लेता है और दूसरी तरफ डेविल क्वीन इंतजार कर रही है धरती लोक के डेविल्स का और दूसरी तरफ पाताल लोक के डेविल्स जिन्हें नर्क के भी डेविल्स कहा जाता है वो अर्थ के ऊपर आके तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब आगे फ्रैंकलिन मुझे एक चीज बताओगे, क्या तुम्हें लगता है कि यही पे है शिनचैन और चॉप? क्योंकि ये बहुत बड़ा टापू है, यहाँ पे हम लोग शिनचैन चॉप को कैसे ढूंढेंगे? मुझे तो लगता है शिनचैन और चॉप को ढूंढने के लिए हमें समंदर के अंदर जाना होगा। नहीं क्रेटोस, मेरे ऊपर भरोसा रखो, समंदर के डेविल किंग ने मुझे कहा था कि एक टापू के ऊपर जो कि समंदर के बीचों बीच है और उसके सामने एक और टापू है, उसके दूसरे टापू के ऊपर ही शिनचैन और चॉप को छुपाया गया है क्योंकि वो लोग इंसान है और तुम्हें तो पता होगा क्रेटोस, इंसान सांस लिए बगैर रह नहीं सकते। हाँ वो मुझे पता है, मेरे हिसाब से शिनचैन और चॉप यहीं पे होने चाहिए। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें फ्रैंकलिन? तुम्हारी तबीयत खराब क्यों हो रही है? तुम्हें पता नहीं है मैं एक यूनिवर्सल डेविल गॉड बनने वाला हूँ और मैं इस दुनिया का किंग बनने वाला हूँ, यानी यूनिवर्सल डेविल किंग, ऐसे समंदर के डेविल किंग ने कहा था। ओह माय गॉड, मतलब तुम ही हो वो फरिश्ता? क्या कह रहे हो, फरिश्ता विरिश्ता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ और मुझे सेरेबियन लेडी ने ऐसा बनाया है। और मुझे एक बात समझ भी नहीं आ रही है, ये यूनिवर्सल डेविल किंग क्या होता है? तुम लोग तो यार डेविल किंग और डेविल बॉस ये दो सेक्शन में बटे हुए हो और डेविल्स भी होते हैं लेकिन उनको डेविल्स का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए वो पाताल लोक में रहते हैं। तीन ही तो स्टेज है डेविल्स की और अब ये चौथी स्टेज कहाँ से आ गई डेविल किंग की, वो भी यूनिवर्सल डेविल किंग। तुम्हें पता भी है तुम्हें जो शक्तियाँ मिली है वो क्या कर सकती है? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये डेविल्स है कहाँ से और आते कहाँ से है। तुम्हें बता देता हूँ, जब इस दुनिया का निर्माण हो रहा था तब इस यूनिवर्स में अच्छाई बहुत बढ़ रही थी। तुम्हें तो पता होगा यूनिवर्स में बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर अच्छाई होगी तो बुराई भी होनी चाहिए। तो इस यूनिवर्स में डेविल्स का जन्म हुआ, एक ऐसे शख्स जो कि ईविल होते हैं, बुरे होते हैं, हर वो चीज जो कि अच्छी है उनको वो अपना दुश्मन समझते हैं और जो अच्छी चीज है उन्हें मारने पे तुले रहते हैं। तो तब से ही डेविल्स का जन्म हुआ था और तुम्हें पता है उस समय यूनिवर्स से गलती हुई थी, उन्होंने यूनिवर्स का बैलेंस बनाने के लिए एक यूनिवर्सल डेविल किंग बनाया था और उसके बाद वो यूनिवर्सल डेविल किंग पूरे यूनिवर्स को चलाने लगा। तो यूनिवर्स की वो प्राचीन शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तो उन्होंने ही इस यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। लेकिन लाखों और हजारों साल बाद वो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर जन्म ले चुकी है, तो तुम बहुत यूनिक हो। मतलब अब तुम भी मेरी शक्तियाँ छीनने के लिए मुझे मारोगे? मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे यूनिवर्स का नहीं हूँ, मैं अलग यूनिवर्स का हूँ, मैं गॉड ऑफ वॉर में से सबसे ताकतवर क्रेटोस हूँ, तो मुझे तुम्हारी ये मामूली शक्तियाँ नहीं चाहिए। बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो शक्तियाँ है वो कितनी यूनिक है और कितनी रेयर है, अगर ये गलत हाथ में पड़ गई तो ये तुम्हारे धरती लोक के ऊपर जो भी जंग हो रही है उसका रुख बदल सकती है। तो तुम अपने आप को संभाल के रखो और इन शक्तियों को बढ़ने मत देना क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही बहुत खतरनाक है और दुनिया के लिए तो मौत का एक नया रूप है, इसीलिए तुम बहुत इविल हो फ्रैंकलिन। चॉप, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, वो मुझे समझ सकते हैं, अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो ये सारी शक्तियों को काबू कर सकूंगा, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, तुम यहीं पे खड़े रहो, तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, तुम अपने उन शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मैं ढूंढूंगा इस पूरे टापू के ऊपर तुम्हारे दोस्त को, जो भी हो जाए क्रेटोस का ये तुमसे वादा है फ्रैंकलिन। जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वैसे भी हमारे पास कुछ ही घंटे हैं, हमें जल्द से जल्द डेविल क्वीन के पास जाना होगा, वही अब कुछ ना कुछ कर सकेगी इन डेविल्स का, क्योंकि वो भी कभी कभी यूनिवर्सल डेविल क्वीन हुआ करती थी लेकिन यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ छीन गई थी। वो तो बहुत समय की बात है, वो कहानी अभी मायने नहीं रखती। शिनचैन चॉप, मैं आ रहा हूँ, कहाँ पे हो सकते हैं? इतने बड़े टापू के ऊपर मुझे उन्हें ढूंढना होगा, अगर मैंने उन्हें नहीं ढूंढा तो फ्रैंकलिन की शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। पक्का मुझे लगता है समंदर के डेविल किंग ने यही पे कहीं पे छुपा होगा क्योंकि वो बहुत आलसी है, मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ और वो बहुत ही कपटी भी है, उसे शक्तियों की बहुत जरूरत रहती है।
जहाँ पे भी उसे शक्तियाँ मिलती है वो अपना मुंह वहाँ पे मारता है, इसीलिए वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कोई बात नहीं शिनचैन चॉप। अच्छी शिनचैन मुझे सर्द लगी है। अरे चुप हो जा चॉप, हम लोग यहाँ पे बुरे फंसे हैं, अब हम यहाँ से तैर भी नहीं सकते। सही कहा, लेकिन तू मुझे कंबल दे देना। अरे मेरे पास थोड़ी कंबल है, तू मेरा टी शर्ट ले लेगा। ये आवाजें तो यही से आ रही है, लेकिन है कहाँ पे, इसके पीछे देखता हूँ। ओ क्या तुम दोनों शिनचैन चॉप हो? क्या कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम दोनों ही तो यहाँ पे, मेरा नाम चॉप और ये शिनचैन। और पागल बंदर जैसे दिखने वाले इस पूरे टापू के ऊपर हम दोनों ही जीवित प्राणी है, बाकी कोई भी नहीं है। ये भी बात है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कैसा बंदा है, मुझे डर लग रहा है, इसके पीछे देख शिनचैन एक खोपड़ी। अरे वही तो चॉप, ये खोपड़ी भागो। ओ बच्चे मुझसे डरो मत। ओ माय गॉड, ये बात भी करती है मम्मी। शिनचैन चॉप तुम लोग मिल गए। तुमने कहा था ना वही पिकड़े रहो, यहाँ पे क्यों आए? क्रेटोस मुझे ये दोनों वही से दिख गए थे, तुम इतना घूम के क्यों आ गए? तो मेरा टाइम वेस्ट किया तुमने, तुम्हें दिख गए थे ये लोग तो सीधा आ जाते, मुझे बाद में दिखे। शिनचैन चॉप कैसे हो मेरे भाइयों? फ्रैंकलिन भैया अब आ गए। ओ माय गॉड, लेकिन आपको ये क्या हो गया है, आपकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? ये बहुत लंबी कहानी है, अब क्या करें क्रेटोस, हमने इन लोगों को ढूंढ लिया। अब हमें जाना होगा डेविल क्वीन के पास, क्योंकि अब ये जंग बहुत खतरनाक हो गई है, मेरे को महसूस हो रहा है पाताल लोक के नर्क के डेविल्स पधार चुके हैं। चलो चलते हैं। क्रेटोस तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। क्या कहा, लेकिन क्यों? तुम्हें आना होगा डेविल क्वीन से आमने सामने लड़ने के लिए। अभी अभी तुम ही ने कहा, हमारे अर्थ के ऊपर डेविल्स की एक नर्क की सेना आ गई है पाताल लोक से, वो शहर में तबाही मचा देगी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने शहर को बचाना है, ये मेरा फर्ज है। वो तो बराबर है, लेकिन मैं अकेला कैसे जाऊँ? और मैं हूँ ना आपके साथ। और मैं भी हूँ, चलो चलते हैं क्रेटोस भाई। मुझे भाई मत बुलाना, मैं एक योद्धा हूँ। अरे हाँ योद्धा वाले भाई चलो। मुझे योद्धा भाई भी मत बुलाना। शिनचैन चॉप मस्ती नहीं, चलो तुम लोग जाओ और मैं शहर में लोगों को बचाने के लिए जाता हूँ। ये चलेगा? ये चलेगा डेविल क्वीन, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं चल के नहीं जाऊंगा। अरे भाई तो मेरे को उठा लो कंधे के ऊपर। ऐसी बात है, ये लो। ओ माय गॉड, ये तो वही गाड़ी है। ओ माय गॉड, ये तो वही गाड़ी है फ्रैंकी भाई आपको जिसमें कैद करके लेके गया था क्रेटोस। क्रेटोस तुमने गाड़ी चुरा ली? मेरे पास एक कॉपी रहती है गाड़ी की। चलो बाय फ्रैंकी भैया, वैसे भी आपसे मिलके मुझे बहुत दुख हुआ। बेवकूफ, दुख हुआ नहीं खुशी हुई बोलते हैं। अरे हाँ वही वही, दोनों की बात है। चॉप तू भी बिगड़ रहा है उसके साथ रह के। चुप हो जाओ, तुम दोनों तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे। हम इतना भी कुछ खास नहीं है। अरे लेकिन हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से रानी को मिलने के लिए जाना है? अरे हाँ रानी को मिलने जाना है, गिफ्ट विफ्ट तो ले लेंगे ना। बेवकूफ, वो डेविल क्वीन है, बहुत खतरनाक, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल। अरे हाँ वो कितने नंबर की डेविल है? वो दूसरे नंबर की है। तो पहले दर्जे की डेविल कौन है? और कौन, तुम्हारा फ्रैंकलिन। क्यों कहो, फ्रैंकलिन भैया पहले नंबर के डेविल, लेकिन वो तो एक मामूली घिसपिस है और लाचार बंदे है। अरे भाई तो वो डेविल कैसे बन गए? मुझे भी तो वही लग रहा था, ये सब बंदा इतना ताकतवर कैसे बन सकता है। कोई बात नहीं चलो तुम तैयार। लेकिन किस लिए? उड़ने के लिए। लेकिन ये गाड़ी थोड़ी उड़ती है। मैं उड़ाऊंगा, ये लो। मुझे तो फ्रैंकलिन भैया के साथ ही जाना चाहिए था शिनचैन। अरे भाई तो मेरे को भी। शिनचैन और चॉप क्रेटोस के साथ सेफ रहेंगे, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। वो जो बंदा है वो मेरी ताकत छीन सकता है, लेकिन फिर भी वो मेरी ताकत नहीं छीना। कोई बात नहीं क्रेटोस, हम इन सारे डेविल्स को जो कि इविल डेविल्स है उन सबको खत्म जरूर करेंगे। पहले तो मुझे पाताल लोक से आए हुए नर्क की सेना को रोकना होगा, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं ये कैसे करूंगा, क्योंकि मेरी ये जो शक्तियाँ है यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ, वो कभी भी बढ़ सकती है। अगर ये शक्तियों को कंट्रोल करने में मैं असफल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी जिंदगी में कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो शक्तियाँ है ना बहुत ताकतवर है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और ये शक्तियाँ न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है, और ये किसी के ऊपर बह गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा डेविल बन पाऊंगा, मैं भी एक बुरा डेविल बन के रह जाऊंगा। मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो लोग तो हमला करने लगे है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीजें महसूस कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेविल्स की शक्तियाँ है वो मुझे अंदर से अच्छी चीज और बुरी चीज का एहसास करवाती है, तब मुझे पता चल जाता है कुछ बुरा हो रहा है। चलो गाइस जल्दी करना होगा, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्या भी करो, हम लोग 1 मिलियन के नियर है और हमें पूरे शहर को डेविल से मुक्त करना है। मुझे नहीं पता अच्छे या बुरे, लेकिन जो भी इंसानियत को खतरे में डालेंगे उन सारे डेविल्स को हमें खत्म करना है। लेट्स
गो। मैं पहुंच गया हूँ, ज्यादा दूर नहीं है वो लोग। यहाँ से आगे जाने के बाद ही मुझे बहुत सारी सेना की लोकेशन और उनका ओरा दिखाई दे रहा है। हेलो इंसान, साइड हट जाओ, मैं तुम सबको बचा के रहूंगा। यहीं पे कहीं पे होने चाहिए, थोड़ा आगे जाके चेक करता हूँ। जल्दी 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 हमें उन सबको रोकना है। ओह शिट, आई थिंक ये रहे नर के डेविल्स, और ये तो मेरे ऊपर ही हमला करने लगे। इनको पता भी है मैं कौन हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर यूनिवर्सल डेविल किंग में बनने वाला हूँ, और तुम लोग मुझे मारोगे पाताल लोक के नर के डेविल्स। तुम्हें तो यार हमारे इस शहर में आना भी नहीं चाहिए है, और तुम यहाँ पे आके इंसानों को मार रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। चलो गाइस इनको फटाफट निपटा देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? लगता है धरती लोक और पाताल लोक के बीच में जो द्वार होता है उसमें दरार आ गई है। हमें उस द्वार को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो ऐसे ये डेविल्स आते रहेंगे और हम कब तक इनसे लड़ेंगे? हम भी कभी ना कभी थक ही जाएंगे, और ये तो कभी नहीं थक सकते क्योंकि ये जिंदा चीज नहीं, एक इविल चीज है, और इविल चीज को मारना इतना भी आसान नहीं है। नमूनो तुम तो अब गए, ये ले तुम मेरे सामने आ रहे हो और मुझे ही मार रहे हो। बताओ तुम सबका क्या मकसद है, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये ले ये तो बहुत तादाद में है, इनको मार रहा हूँ। वैसे ये लोग बढ़ रहे हैं, लगता है नरक का द्वार बहुत तेजी से खुल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको मार पाओगे? बताओ तुम्हें किसने भेजा है और यहाँ पे क्या कर रही हो? हमें भेजने वाला हमारा नरक का बॉस है, जल्दी छोड़ दो मुझे। ऐसी बात है, ये ले। इन सबको मारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। गाइस हमें इन सबको मारना होगा। अगर आपके पास इस द्वार को बंद करने का कोई रास्ता हो तो मुझे कमेंट में बताओ, हम सबको एक साथ मिलके इस द्वार को खत्म करना होगा, क्योंकि ये जितने भी है वो बाहर आ रहे हैं, और वो द्वार की लोकेशन भी मुझे नहीं पता जो कि पाताल लोक और धरती लोक को जोड़ के रखती है। अगर मुझे वो द्वार मिल ही गया तो मैं उस द्वार को तबाह कर दूंगा। तुम ऐसा करोगे तो हम वापस आएंगे, हमारे मालिक तुम्हें खत्म कर देंगे। हमें मारोगे, अब मालिक आएंगे तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम्हारा जो भी बॉस है वो तो मेरे हाथ से मरेगा ही, लेकिन तुम भी मरने वाले हो। एक एक करके तुम्हें आसमान में भेज दूंगा। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझसे तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल किंग बनने वाला हूँ मैं। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, मुझे अपनी पूरी शक्तियाँ यूज करनी ही होगी, और इस दुनिया के ऊपर मैं राज करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो भी मैं करूँगा। ये ले, तुम सबको मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, और ये मेरा तुम सबसे वादा है, एक एक को मैं निपटा दूंगा। ये ले। ये क्या हो रहा है, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगा ही था ये यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ मेरे ऊपर हावी हो रही है, और इसीलिए मैं इन सबको इतने बेरे में से मार पा रहा हूँ। मुझे इनको नहीं मारना है, इतने बेरे में से मैं नहीं मार सकता इन्हें। गाइस कुछ ना कुछ करना ही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हें मारना बंद करना होगा। नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो पहला डेविल है, हमसे ज्यादा इविल तो तुम हो। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, सबको मैंने राग बना दिया। यार मैं तो दुनिया का सबसे खूंखार डेविल बन रहा हूँ, मैंने इनको जिंदा जला दिया। ये देखो शिट, मुझे लगा ही था ये ताकत मेरे ऊपर हावी हो सकती है, इसीलिए तो क्रेटोस भी मुझे ध्यान से रहने के लिए बोल रहा था। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे? चलो 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 चलो, लेकिन वेट अ सेकंड, अभी अभी मैंने किसी की परछाई देखी। तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो? मुझे लगा ही था कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम इन्हें इन सेना को यहाँ पे छोड़ा है ना, नर के डेविल के बॉस। सही कहा, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं ही हूँ उन सबका बॉस, नर का डेविल। समझे, हमें डेविल्स में गिना नहीं जाता क्योंकि तुम एक बहुत खतरनाक और बुरे लोग हो। उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम भी डेविल्स हैं। ऐसा मानना तुम्हारा है, तुम एक मॉन्स्टर हो, घिनौने दान हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुमने ऐसा कहा, तुमने मेरी सेना को मारा, तुम में बहुत ताकत है, तुम अपनी ताकत मुझे दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो सकते हो। आ जाओ। ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, आ जाओ। ओ तेरे की, आउच, तुम इतने ताकतवर कैसे? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कितना ताकत हो सकता हूँ? मैं पूरे नर्क के मॉन्स्टरों का दानवों का सरदार हूँ, और तुम डेविल्स ने हम लोगों को डेविल्स मानने से धुक्कार दिया, और हम अपना हक लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी जान तक ले सकते हैं। तुम्हें मेरी जान लेने का कोई हक नहीं है। आउच, ये ताकत
आपको हुआ क्या है? मेरी सारी ताकतें यूज कर नहीं पा रहा हूँ। इस बंदे के अंदर ऐसा क्या है कि मेरी ये यूनिवर्सल डेविल्स की शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही है? ओह माय गॉड, ऐसी बातें? तुम्हारे अंदर वो यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ, तो तुम बुरे फंसे हो। मैं तुम्हारी शक्तियों को रोक सकता हूँ। मेरी ताकत तो वही है कि आगे वाले की शक्तियाँ रोकना। ऐसी बातें, तुम मेरी शक्तियों को रोक रहे हो, लेकिन कब तक रोकोगे? अभी तो मैं हार जाऊंगा, मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें पता है मेरा दोस्त तुम सबको रोकने के लिए किसके पास गया है? कौन होगा वो बदनसीब जो मेरे हाथ से मरने के लिए आ रहा है? और कौन? दुनिया की सबसे ताकतवर डेविल क्वीन। बेवकूफ इंसान, हंस क्यों रहे हो? अपनी मौत के ऊपर तुम्हें हंसी आ रही है? तुम इतने बुरे काम कर रहे हो तो बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होगा। लेकिन बेवकूफो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम जिसके पास जा रहे हो, क्या ये सब कुछ वो तो नहीं कर रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? बेवकूफ, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें डेविल क्वीन तो कर रही है। हमें भी उसी ने बाहर निकाला और तुम मदद लेने के लिए उसी के पास जा रहे हो। बेवकूफ कहीं के शिनचैन, जॉब, क्रेटोस, मतलब ये सब कुछ जो कर रहा है वो और कोई नहीं, डेविल क्वीन है। सही कहा, उसको अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए ये करना पड़ा। उसने धरती लो, पाताल लो, उसके बाद आसमान के डेविल किंग, उसके बाद समंदर के डेविल किंग, और तो और स्पेस के डेविल किंग को भड़काया तुम सबके खिलाफ, और अब वही इस दुनिया पे राज करेगी, वही बनेगी डेविल्स की रानी। तुम सब लोग बेवकूफ हो और उसी के पास मदद मांगने के लिए गए, मरोगे तुम। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब बहुत हो गया, तुम्हें मरना होगा। ये क्या हो रहा है? तुमने अपने शरीर से उस ताकत को बाहर कैसे निकाल दिया? मैंने उस ताकत को कम कर दिया है और अब उसी ताकत से मैं तुमसे लड़ूंगा। इसे कहते हैं एक कदम पीछे लेके वार करना। तुम्हारी डेविल क्वीन को तुमने रिवील करके बहुत बड़ी गलती कर दी है बेवकूफ। ये क्या कर रही हो? नहीं, मुझे पता नहीं था इन सारे चीजों के पीछे कौन है, और अब मुझे पता चल चुका है। तो अब मैं विलन को खत्म करने के लिए मैं खुद जाऊंगा, और उससे पहले मैं तुम्हारा खात्मा जरूर करूंगा। दुनिया की सबसे यूनिवर्सल डेविल क्वीन की मौत के जिम्मेदार तुम होगे बेवकूफ नर्क के मॉन्स्टर। इसीलिए तुम्हें नर्क के डेविल्स कहा जाता है और डेविल्स में गिना नहीं जाता, क्योंकि तुम सब लोग बेवकूफ हो। ये नहीं हो सकता, हम वापस जरूर आएंगे। मेरी पावर्स, मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन मुझे सूट को उतारना पड़ता है। अगर मैंने सूट को पहन लिया तो वो फिर से वही ताकतें अनगिनत तरीके से बढ़ने लगती है। समझ भी नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी करके क्रेटोस, शिनचैन, चॉप और जो धरती लोग के डेविल्स डेविल क्वीन से हेल्प लेने के लिए गए हैं उन्हें अलर्ट करना होगा, क्योंकि मेन विलन तो वही है, डेविल क्वीन, वही ये सब कुछ कर रही है। उसी ने सारे के सारे डेविल्स को भड़काया है, नहीं तो अब तक तो सारे डेविल्स आराम से रह रहे थे, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं था। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे के सारे डेविल बॉस अच्छे से थे। सरीवीन लेडी को भी किसने जगाया? पक्का ये सब कुछ डेविल क्वीन ही कर रही है। मैं आ रहा हूँ डेविल क्वीन, बहुत देर ना हो जाए। चलो शिनचैन चॉप, बस जिंदा बचना। अरे बाप रे बाप, शिनचैन मेरी तो फट गई, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? ओह माय गॉड, ये कौन सी जगह है क्रेटोस? हम लोग पहुँच चुके हैं डेविल क्वीन के प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पे वो रहती है और जहाँ से वो अपने बुरे कर्म शुरू करती है। अरे लेकिन वो इतनी ही डरावनी है, तो हम लोग क्यों जा रहे हैं उसके पास? अरे वही तो, हम लोगों के फ्रैंकलिन भैया संभाल लेंगे ना पूरे धरती लोग को। तुम्हें लग रहा है कि फ्रैंकलिन सब कुछ संभाल सकता है? नहीं, फ्रैंकलिन की जो शक्तियाँ है, जैसे ही वो उसे अपना लेगा तो फ्रैंकलिन भी दुनिया का सबसे खतरनाक इविल बन जाएगा, जैसे सेरेमेन लेडी ने उसे कंट्रोल करके किया था। अरे बाप रे बाप, हमें कहाँ पे मिलेगी ये डेविल क्वीन? हमें बहुत समय लगेगा इतने बड़े प्लेनेट के ऊपर ढूंढने के लिए। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आएगी। ये देखो वो रही। ओह माय गॉड, सच्ची में वो तो आ गई। आ जाओ बच्चों, बाहर आ जाओ, बस कुछ मत बोलना, सारी चीजें मैं करूंगा। अरे वैसे भी हम लोगों को इसकी शक्ल देख के ही डर लगने लगा है। हेलो चुड़ैल आंटी। क्या कहा? चुड़ैल आंटी, सॉरी सॉरी डेविल क्वीन, इस बच्चे को छोड़ दो, ये नादान है। अरे क्या कहा, मैं नादान? मैं तो 5 साल का मासूम बच्चा हूँ, और मेरे साथ एक बेवकूफ डॉगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ शिनचैन। सही कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम तो बहुत होशियार हो। बेवकूफ कहीं के शिकार खुद शिकारी के पास आया है। उरी आपने कुछ कहा क्या मैडम? तुमने मुझे आंटी कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। क्रेटोस, बहुत दिनों बाद मिलके अच्छा लगा, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन डेविल क्वीन आप कैसी हो? मैं तो बहुत
बहुत अच्छी हूँ। और आपको तो सारी चीजें पता होगी कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, क्योंकि उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ही मासूम है। अरे वही तो, शुक्रिया आंटी। अरे उसे आंटी मत बुलाओ यार। कोई बात नहीं, डेविल क्वीन बहुत अच्छी है। ऐसा तुम्हें लग रहा है? क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत से काम है, बहुत सारे लोगों को मेरी जरूरत रहती है। मैं छोटी मोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। रुक जाओ, आप जो बोलोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या कहा? वही तो मैं चाहती हूँ। तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? हाँ, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। बताओ क्या करना है हमें? तो मुझे शिनचैन और चॉप चाहिए। क्या कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे बाप रे बाप, सीधा हमें क्यों मांगते हैं शिनचैन? अरे हम लोग बहुत खास है ना, इसीलिए। लेकिन तुम्हें शिनचैन और चॉप क्यों चाहिए? बस ऐसे ही मैं इनके साथ रह के इनकी अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहती हूँ। अरे तो हम लोग रहेंगे और हमें चौको भी मिलेगा क्या? तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मंजूर है तो बोलो क्रेटोस, नहीं तो मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, बस तुम इन्हें कुछ नहीं करोगी, ये वादा करो। मैं इन्हें कुछ नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है। मैं थोड़ी इन्हें मारने वाली हूँ, वो तो सेरेपिन लेडी है। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं खुद इन दोनों को कुछ नहीं करूँगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे धरती लोक के ऊपर आऊँगी और सारे डेविस को रोकूंगी। शिनचैन चॉप यही पे रहना, और कुछ लगे तो मुझे कॉल कर देना। ओके ओके चलेगा। अरे वही तो चॉप, अब बहुत मजा आने वाला है। तुम अपना वादा मत भूलना, जल्द से जल्द अर्थ के ऊपर आओ और सारे डेविस को रोको। मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन चलो मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ये कभी हमारी हेल्प नहीं करेगी। चलते हैं। चलो बच्चों, तुम सबको घूमना है या नहीं है? हमें घूमना है। तो वो देखो, वो रही आंटी, सेरेबियन आंटी, उनके साथ घूमो। जल्दी करो बच्चो, चलो। माय गॉड चॉप, ये क्या हो रहा है? अरे हो शिनचैन, ये सेरेबियन लड़ी, ये तो इविल है ना। ओ माय गॉड चॉप, कुछ समझा? मैं कुछ नहीं समझा। समझने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी बहन है। अरे तुमने तो हमें चौंका दिया शिनचैन चॉप, तुम तो हमारी चाबी हो। कैसी हो बहना? ओह माय गॉड, ये सिस्टर है। अब तो हम लोग बुरे फंदे चॉप, हम खुद शिकार बनने के लिए आए हैं यहाँ पे। अब क्या होगा? और क्या, अब हमारी वाट लगने वाली है। क्रेटोस। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना वीडियोस की अपडेट के लिए, और कमेंट में बताओ अब आगे क्या होगा। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।